फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ बेनिफिट्स एंड डीआईवाई रेसिपीज बाय सोनाली को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज हम जानेंगे पुराने फर्नीचरों से आप कैसे भगाएं दीमक। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आपके फर्नीचर दीमक लगने से बच जाएंगे। तो अगर आपकी लकड़ी के फर्नीचर में दीमक लगी हुई है तो आपको अपने फर्नीचर को घर से निकाल कर बाहर धूप में 4 घंटों के लिए रख देना होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि दीमक बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि दीमक ज्यादातर सीलन की वजह से ही लगती है। प्राकृतिक चीजें जैसे नीम की पत्तियों का प्रयोग करके भी आप फर्नीचर से दीमक को भगा सकते हैं। नीम की पत्तियों को सुखा कर उसे एक कपड़े में लपेटकर जगह जगह फर्नीचर पर रख दें और जहां दीमक लगी है वहां रख दें। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि दीमक से आपको छुटकारा मिल गया है। इसके अलावा नमक में भी काफी दम होता है कि वह दीमक को मार सके, इसलिए जहां आपको लगे कि दीमक का प्रकोप है वहां पर नमक का छिड़काव जरूर कर दें, इससे भी दीमक से छुटकारा मिलता है। नमक के अलावा आप लाल मिर्च पाउडर का भी प्रयोग कर सकती हैं। लाल मिर्च पाउडर को दीमक वाली जगह पर छिड़क दें और देखें कि वे कैसे मरती हैं। दीमक को तीखी महक बहुत ही खराब लगती है, इसलिए आप उनके बिल के पास करेले का जूस छिड़क दें। इससे ना तो इन्फेक्शन फैलेगा और दीमक मरेंगे वो भी अलग। तो दोस्तों इन टिप्स को आप घर पर जरूर आजमाएं जिससे आप अपने फर्नीचर को दीमक से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए वीडियोस को क्लिक कीजिए, आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।